जब मुझे ये मूवी मिली थी तो मैं बहुत ही खुश हो गई. मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया करने को मिलेगा. जब सर ने कहा कि सिग्नल पे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें वहाँ पे भीख मांगनी है, तो यार भीख मांगना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या समझेंगे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था मैं अंजलि हूँ ऐसा. लेकिन मैंने कहा नहीं, अंजलि को भूल जाना है और बिल्कुल पद्मा को लाना है. मेरे बाबूजी ने कहा अंजलि मैं थोड़ा सा रियल करूँगा, तो मैंने बोला सीन्स है, सीन्स तो रियल नेचुरल दिखे, रियल दिखे तो अच्छा है. तो जो मेरे बाबा मुझे मारते थे ना, वो सचमुच को मुझे मारते थे, तो मैं चुपचाप करके मैं थोड़ा मैनेज करती थी कि चलो कोई नहीं, वो जो मेरे जो बाबा है, हो सकता है वो अपना रिएक्शन ऐसा आए देने के लिए रियल में मुझे मारते पीटते हो और मेरी जो चीखें निकलेगी सचमुच वो बहुत ही रियल निकलेगी. तो वो मैं मार खा लेती थी वो. और जब भी वो मुझे मारने का सीन्स करते थे ना, तो बहुत सारे कुत्ते आ जाते थे ऐसा, तो फिर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती कि ओ माय गॉड, कहीं ये कुत्ता मेरे पैर पे तो नहीं आएगा, कहीं ये मुझे लपक तो नहीं लेगा, मुझे काट तो नहीं लेगा, फिर 14 इंजेक्शन फिक्स है ऐसा. तो फिर सर वो किसी भी तरह कट करते थे और वो चीज़ मैनेज करते थे और बस मैं मार खाती जाती. अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को कोई मैसेज मिलता है या फिर आपके मन में कुछ ऐसा चलता है तो प्लीज़ कमेंट्स करें. आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट मूवी मुक्ति, जो बहुत ही प्यार से बहुत ही मेहनत करके हम लोगों की टीम ने बनाया है, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा. सो थैंक यू सो मच.